उस समय हम कांग्रेस से कहते थे, समाजवादी पार्टी से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, वह कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। कहना भाइयों आज कैसे समाप्त हो गया, अब तो कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मेरे मेरा हाथ नहीं है और मुझे मेरा हाथ मेरा नाम मत मुझे मत तो दोषी ठहराना। बहनों भाइयों पाकिस्तान को मालूम है ताकत की भाषा वह समझता है और जानता है ये नया भारत है छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, और बलिया से ज्यादा इस भाषा का इस्तेमाल कोई दूसरा कैसे कर सकता है। बलिया ने तो कभी गुलामी स्वीकार की ही नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ, बलिया ने 1942 में ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बहन और भाइयों विकास के कार्य कोई सोचता था पूर्वांचल विकास, जो आप पूर्वांचल हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रही है उसका लिंक एक्सप्रेसवे बलिया तक जाएगा, आज बन रहा है, तेजी के साथ काम चल रहा है, 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, बाढ़ की समस्या का समाधान हो, बलिया में उत्पादित सब्जी दुनिया के बाजार में जाए, वाटर वे का उपयोग सर्वाधिक करने वाला कोई एक जनपद है तो प्रदेश में वह जनपद बलिया जनपद है जो वाटर वे का उपयोग कर सकता है। हमने अथॉरिटी का गठन भी किया है, इन्हीं का विभाग दया शंकर का ही विभाग उसको उस काम को देख रहा है। बहनों और भाइयों हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, रेलवे में नई ट्रेन आ रही है, कई वंदे भारत ट्रेन, कई अमृत भारत ट्रेन, कई नव भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। आज आप जाएंगे आपको लगेगा दुनिया के अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा भारत के पास, हाईवे भारत के पास, एयरपोर्ट भारत के पास, और एम्स आईआईटी आईएम ट्रिपल आईटी एनआईटी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, सरदेव चंद्रशेखर जी के गांव का जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था हमारी सरकार ने उसको प्रारंभिक रूप से चालू कर दिया है और मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी बलिया के अंदर चल रही है। बहनों और भाइयों हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है, और याद रखिए गरीबों के लिए कितनी योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान की हालत क्या है, 23 करोड़ की कुल आबादी वे भी भूख से मर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान का राह कराते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं क्यों वे भारत में बोझ बने हुए हैं, पाकिस्तान में जाओ एक बार देख के आओ, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि जो स्वयं भीख मंगा हो दुनिया के अंदर भीख का कटोरा लेते हुए फिर रहा हो वो क्या दूसरों का पेट भरेगा। लेकिन आज भारत तो अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को भारत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए उपलब्ध करा रहा है, और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगी, वह देश के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और हमने तो प्रदेश में व्यवस्था की है होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को, और हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों आज आप देख रहे होंगे प्रदेश भर में पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के एक एक मकान बन गए, और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी बचे हुए जितने भी गरीब हैं जिनके पास कच्चा मकान है
जिनके पास झोपड़ी है, इन लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। एक तरफ विकास सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के काम करने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, जो विकास भी कराते हैं, निराश्रित का सम्मान भी कर रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, ये सभी दल है, इनके हालत देखो। टीएमसी बंगाल के अंदर, वहां के साधु संतों को धमकी दे रही है, कह रही है कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो। अबे हमारे साधु संत धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे, लेकिन वहां धमकी दी जा रही है। ये तो संस्कार है इन लोगों के, और यही नहीं, इनका घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे आप भी सोचेंगे कि ये लोग तो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? वो कहता है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या आरक्षण कहां से देंगे? एससी एसटी और ओबीसी का काट करके ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता,